नमस्कार दोस्तों, संचेती ऑल इन वन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए कुछ अलग से और कुछ एक नई तरीके से कमीज और कुर्ती का मेजरमेंट बताने आई हूँ। आप इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको मेरा चार्ट अच्छा लगे, आपकी कुछ समझ में आए, आपको सही लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पहली बात। दूसरी बात है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और मेरी जहाँ तक सोच है, आपके लिए ये बहुत ही कामयाब है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही यूजफुल है। इस चार्ट को आप काम में लें और उसके बाद आप मुझे बहुत सारे कमेंट करें। तो देखो ये क्या चार्ट है, इसमें आपको बताया क्या जा रहा है कि कमीज और कुर्ती का मेजरमेंट चेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे निकालें। तो देखो हमारा जो चेस्ट है, आपको बताऊँ कि जैसे चेस्ट है 28, ठीक है। अब 28 चेस्ट है, या हमने देख लिया कि हमारे बच्चे के हमें सूट बनाना है। जैसे मैं ये सूट कटिंग करूंगी और मुझे ये सूट कटिंग करना है 28 का, तो मुझे अब 28 चेस्ट तो मिल गया। नेक की चौड़ाई मैं कितना लूँ, मैं इसमें शोल्डर कितना लूँ, मैं इसमें आर्मोल कितना लूँ, ये मेरे पास थोड़ा सा चिंतन है। कि एक तो हम नाप से ले लेते हैं, एक हमारे पास नाप है, और फिर भी जो हमारा गणित हमें क्या बता रहा है, तो गणित क्या बताता है कि आपको नेक की विड़थ कितनी लेनी चाहिए, चेस्ट का 12वां भाग। तो आप चेस्ट का 12वां भाग कैसे निकालेंगे, जैसे देखो 28 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना है 2.33। अब यहाँ पे नेक की विड्थ आती है 2.33, तो आपको कितना लेना है, आप यहाँ पे 2.25 इंच नेक की विड्थ ले सकते हो। 28 चेस्ट है तो यहाँ पे कितना लेना चाहिए, जी मतलब 3.3 है तो आप उसको कम करके 2.25 में ले लो। जैसे 5.4 है तो आप उसको कम करके 5 मतलब 2.5 इंच में ले लो, या 2.60 है तो आप उसको 2.5 इंच में ले लो। इस प्रकार से जैसे कुछ यहाँ पे जैसे देखो 12वां भाग 2.66 आया है, तो यहाँ पे आपको 2.50 ले सकते हो, जैसे 2.5 इंच होता है तो वो ले सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो आपको 2.83 आया है, तो यहाँ पे 2.5 यानी 7.5 आप ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपको लेना है। जो भी ये 5-10 पॉइंट ऊपर के आते हैं, जैसे यहाँ पे 13.5 आया है, तो आप इसको 13.50 यानी 13.5 के अकॉर्डिंग आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो, ऐसे लेना है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आया चेस्ट का 12वां भाग 2.33, तो मैंने यहाँ पे 2.30 या 2.25 यानी 2.25 इंच यहाँ पे आपको चेस्ट का नेक विड्थ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर कितना लेना चाहिए, तो शोल्डर में आपको चेस्ट का 2.50 भाग लेना है। जो भी आपका चेस्ट है, जैसे यहाँ पे तो चेस्ट 28 है, पर आपका चेस्ट जैसे 36 है तो भी आपको 2.5वां भाग लेना है। यहाँ पे आपका आता है 14.40, चेस्ट का 2.5वां भाग आता है 14.40 यानी 7.25 इंच, तो इस प्रकार से लेना है। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट का 2.5वां भाग है तो 11.25 इंच, तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 या 5.25 के बीच का, तो आप इसमें 5.5 ले सकते हो, 5.25 ले सकते हो, ये आपका यहाँ पे तीरा बोल रहा है, ये चेस्ट का मेजरमेंट बोल रहा है। अब यहाँ पे मुड्ढा कितना लेने चाहिए, यानी आर्मोल कितने लेने चाहिए हमें, तो हमारे मुड्ढे होते हैं चेस्ट का 2.25वां भाग। जो भी आपका चेस्ट है उसका 2.25वां भाग कर लो, यहाँ पे चेस्ट 28 है तो इसका 2.25वां भाग हो गया है 12.5, उसको हमने हाफ कर लिया। जैसे चेस्ट 6.25 इंच, यहाँ पे आते 5.25, यहाँ पे आता है 6.25 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 30 है तो 30 चेस्ट का आप 12वां भाग कर लो, 2.5 इंच आता है नेक की चौड़ाई। फिर 30 चेस्ट का 2.5वां भाग आता है 13 यानी 12 इंच यानी 6 इंच। यहाँ पे शोल्डर कितने लेंगे हम, 30 पे 6 इंच। यहाँ पे हम आर्मोल यानी कि मुड्ढे कितने लेंगे, यहाँ पे 13 इंच आते हैं यानी कि 6.5 इंच। चेस्ट का 2.25वां भाग 13 इंच यानी कि 6.5 इंच। तो ऐसे ही 32 में आपको नेक विड्थ कितनी लेनी है, चेस्ट का 12वां भाग यानी 2.66 आता है, तो यहाँ पे आप 2.50 यानी 2.5 इंच ले सकते हो। यहाँ पे आपको चेस्ट तीरा कितना लेना है, चेस्ट का 2.5वां भाग यानी 12.80 आते हैं, तो यहाँ पे आप 12.5 ले सकते हो, तो यहाँ पे आपके 6.5 इंच हो गए हैं। फिर आपको मुड्ढे कितने, आर्मोल कितने लेने हैं, चेस्ट का 2.25वां भाग, तो आप कैलकुलेट कर लो, चेस्ट का 2.25वां भाग आते हैं 14.44 यानी 44, तो आप 7.22 ले लो यानी 7 इंच ले सकते हो, 7.25 इंच ले सकते हो। तो यहाँ पे फिर 34 आता है, यहाँ पे आपको चेस्ट का 12वां भाग होता है नेक की विड्थ,
तो आपको कितना लेना है, यहाँ पे आपको 3.5 इंच लेना है, जो कम वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, जो कम वाला हिस्सा होता है वो लेना होता है नेक विड्थ में, और जो मुड्डे होते हैं उसमें ज्यादा वाला, जैसे 7.5 है तो 7.5 लेना होता है, यहाँ पे आपको 7.25 है तो 2.2 है तो 7.25 आप ले सकते हो, 7 इंच भी आप ले सकते हो, ऐसे होता है। तो जो भी आपका, जैसे यहाँ पे 13.60 है, 34 में शोल्डर होते हैं 13.60, यहाँ पे आप 6.25 इंच, 6.5 और थोड़े से ज्यादा उससे 7.5 इंच तक आप ले सकते हो यहाँ पे। तो ये 7.5 इंच होते हैं इसमें शोल्डर। यहाँ पे आपके आर्म होल होते हैं 7.5 इंच। 36 में आपको चेस्ट का 12वां भाग नेक विड्थ है 3 इंच। यहाँ पे आपको शोल्डर है 2.5वां भाग 14.40 यानी 7.75 इंच, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्म होल लेने हैं 2.25वां भाग यानी 8 इंच। तो ये हमारे सूट का मेजरमेंट है। 38 इंच में 12वां भाग होता है 3.25 इंच, और 13 होता है 15.25, उसका हाफ कर लो आप 7.5 इंच, शोल्डर होती है 7.5 इंच। यहाँ पे आपको आर्म होल होंगे 8.25 इंच। 40 में आपको नेक विड्थ लेनी है 3.33 आता है, यहाँ पे आप 3.25 इंच ले सकते हो। यहाँ पे आपको 13 शोल्डर आता है 16, यानी आप 8 इंच ले सकते हो, और आर्म होल आपके 8.5 इंच होते हैं। यहाँ पे 42 आपको नेक की विड्थ होती है 3.5। कितना करना क्या है, देखो नेक विड्थ के लिए आपको चेस्ट का 12वां भाग जानना है, अच्छा शोल्डर के लिए आपको चेस्ट का 2.5वां भाग जानना है, अच्छा आर्म होल के लिए आपको चेस्ट का 2.25वां भाग लेना जानना है, जो भी आपके आता है कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं कि जैसे 48 मेरा चेस्ट है, 48 का 12वां भाग लेंगे डिवाइड बाय 12 बराबर 4, यानी नेक विड्थ मुझे चाहिए 4 इंच की। उसके बाद में शोल्डर है चेस्ट का 2.5वां भाग, तो 48 डिवाइड बाय 2.50, यहाँ पे मेरे देखो 13 आता है 19.2 यानी 9.5 इंच। यहाँ पे मैं 13 9.5 तक ले सकती हूँ। ये जब कैसे है, जबकि आपका नेक कॉमन हो नॉर्मल, जैसे 5 या 6 आगे पीछे के कॉमन नेक का ये आपका है जो मेजरमेंट है। जो अगर आपका डीप नेक होता है तो उसमें आपको ये सब चेंज करना होता है। अगर आपका नेक बैक साइड का डीप होगा, आगे का डीप होता है, तो ये चेंज हो जाएगा थोड़ा। और अगर आपके कॉमन है, जैसे 6 इंच आगे का नेक है और 6 इंच पीछे का नेक है, कॉमन है साधारण है, तो ये मेजरमेंट होगा आपका 48 में 9.5 इंच आपका शोल्डर होगा, और मुड्डे कितने होंगे, चेस्ट का 2.25वां भाग। तो यहाँ पे 48 डिवाइड बाय 2.25 बराबर 21, यानी 10.5 इंच तक आप इसमें मुड्डे ले सकते हो 48 चेस्ट में। तो इस प्रकार आपको डिवाइड करना है सभी में, 12वां भाग, 2.5वां भाग और 2.25वां भाग। अगर नॉर्मल ये नाप है साधारण आपकी सूट का, तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग 32 के अकॉर्डिंग इस सूट की कटिंग करूंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ये मैंने आपको सिर्फ चार्ट बताया है। अगर आपको मेरा ये चार्ट अच्छा लगा हो और समझ में आया हो आपको अच्छे से, तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को फुल वॉचिंग करने के लिए। और ये जो सूट की मैं कटिंग करूंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।